कभी जिंदगी में इस्लामाबाद नहीं आया था, आज पहली मरतबा आया हूँ, अरशद शरीफ की मोहब्बत में आया हूँ। बेबाक निडर और बहादुर आदमी का इन्होंने जो कत्ल किया है, जो पैगाम देना चाहिए बेटा वो तो वैसे ही जन्नत ही है। क्या पैगाम दे, जो शहादत जिसको शहादत मिलती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने बाहों में लेते हैं, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं है ना। जब आपने सुना कि खबर आई था तो क्या हुआ, क्या आपकी फीलिंग्स थी? दुख हुआ बेटा, दुख हुआ, जैसे अपना कोई जाता है तो रोते हैं ना, इस तरह इनके लिए भी रोना आ रहा था। बस अरशद शरीफ को कत्ल करने के बहाने 22 करोड़ आवाम के दिलों पे अटैक किए हैं। इन जालिमों को ये नहीं पता कि जुल्म मिटने के लिए होते हैं, सच हमेशा काम रहने के लिए होते हैं। वो तो मोहब्बत की बात करता था, वो तो इंसाफ की बात करता था। तुम तो जालिम हो, जुल्म हो, मिट जाओगे। और हम ये जो आप पूछा जाता है वो कौन था, अब हम बताएंगे, हमसे पूछोगे कि हम कौन है, इसका जवाब शरीफ कर इंशाल्लाह। ये ये पाकिस्तानी कौम है, ये अरशद शरीफ का खून इसी है। ये देखो, ये होता है जनाजा, ये होती है मोहब्बत, ये होता है प्यार, इसको कहते हैं। ये यजीद है और यजीद के पैरोकार है और यजीद को मारने वाले हैं। करबला वाले ये है जो हुसैन इब्ने अली को मारते हैं। सब इधर आए हुए हैं। तमाम पाकिस्तानियों ने आज वाकई ये बता दिया है कि ये सोई हुई कौम नहीं है। तमाम पाकिस्तानियों ने ये दिखा दिया है कि ये मरी हुई कौम नहीं है, इसको जिंदा होना आता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क से प्यार की खातिर चुप थी, लेकिन आज ये निकलेगी तो अपने मुल्क के लिए निकलेगी। एक बात याद रखना मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के लोगों, ये चुप रहने का वक्त नहीं है। खून बहा दिया और ख़त्म हो गया, अब इसको ऐसा ना होने देना। अरशद शरीफ ऐसा भाई था जिसके कॉमेंट के नीचे, वीडियो के नीचे अगर हम एक कॉमेंट लिखते थे तो वो आगे से शुक्रिया लिखता था। किस चीज़ की कमी है तुम में, पढ़े लिखे तुम हो, अब तुम लोगों ने देखा है पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क है, इस पाकिस्तान को यूं रुसवा ना होने दो। इस पाकिस्तान का ख्याल तुम लोगों ने करना है, इस पाकिस्तान का ख्याल तुम लोगों ने रखना है, इस काम को कभी ठंडा ना पड़ने देना।